नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर फैंटेसी गली की तरफ से एक नए वीडियो में। ये है अस्थियां भाग नंबर 4, अध्याय 4। वैसे एशेस तो समाप्त हो चुका है, एटलीस्ट स्कोर लाइन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने एशेस रिटेन कर लिया है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम इंग्लैंड में एशेस ड्रॉ किया था, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया में जीत ली थी। तो काफी साल से, 4-5 साल से ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। लेकिन दोस्तों एक बात माननी पड़ेगी कि इस साल का जो एशेज रहा है ना, या इस बार का जो एशेज, बहुत ही फीका रहा है। और एक इंग्लैंड फैन ने बहुत ही सही मायने में फेसबुक पे एक कॉमेंट पास किया था कि ऑस्ट्रेलिया के फैन इंग्लैंड के फैन के लिए तरस खा रहे हैं, यानी इससे बुरा शायद एक इंग्लैंड फैन को कभी लगा ही ना हो। तो यही मान के चले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी भी अच्छी नहीं खेली है, लेकिन इंग्लैंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं खेली है। तो फिर आपने जो टीम बनाई होगी ना, तो आगे चल के शायद यही उम्मीद होगी कि आप ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक ही टीम बनाए। लेकिन अब दुविधा ये खड़ी होती है कि ये चौथा टेस्ट है, सीरीज तो समाप्त हो गया है, तो शायद कप्तान पैट कमिंस, जो खुद एक फास्ट बोलर है, वो ये सोचे कि फास्ट बोलर्स को रेस्ट क्यों ना किया जाए, या फिर सर्टेन प्लेयर्स को रेस्ट क्यों ना किया जाए, क्योंकि वैसे भी बायो बबल से सभी लोग गुजर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट तो आवश्यक है। तो शायद ऑस्ट्रेलिया एक और वीक टीम फील्ड करे, तो ऐसे में बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि दोनों ही टीम के पास बैटिंग की कमी है। इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम यह है कि मानस लाबुकर ने स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के न मारने से भी ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रही है। तो फिर अगर ये तीनों, लाबुकर ने तो फिर भी फॉर्म में है, लेकिन अगर स्मिथ और वार्नर फॉर्म में आ गए, तो फिर तो भाई इंग्लैंड के तो क्या कहें, वाट लग जाएगी। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताने आए हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा। इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर अगली मैच होने वाली है, वहां की पिच किस तरह की प्लेइंग कंडीशंस को सपोर्ट करेगी, फिर उसके बाद किस तरह के प्लेयर्स आपके टीम में होने चाहिए, फिर आपकी रिस्क एपेटाइट और बजट के हिसाब से किस कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अंत में कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। पहला मैच था गैबा में, जहां पर पाउंस और मूवमेंट होती है। दूसरा मैच था एडिलेड में, जो वैसे तो एक हाईवे है, लेकिन क्योंकि डे नाइट मैच था तो शायद बैटिंग डिफिकल्ट थी। तीसरा मैच था एमसीजी पर, एमसीजी भी ऑस्ट्रेलिया का अड्डा ही है, यहां पर भी विजिटिंग टीम्स को मैच जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। अब आ गए हैं सिडनी में। सिडनी इन तीनों मुकाबलों के अगर कंपेयर करें तो काफी आसान होता है बैटिंग के लिए, और इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, या दोनों टीम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है बैटिंग। तो यहां पर आपको ज्यादा बैट्समैन पॉइंट्स दे सकते हैं, और एससीजी है, यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, यानी स्पिनर्स क्रिकेट ग्राउंड, यहां पर आपको स्पिन का बोलबाला दिखता रहेगा। तो इंग्लैंड के पास तो ऑप्शन है नहीं, मुझे नहीं लगता वो डॉम बेस को खिलाएंगे, जैक लीच को ही खिलाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं नेथन लाइन के कमेंट्स पढूं, तो फिर ऐसा लग रहा है कि टू स्पिनर स्ट्रेटजी के साथ जाएगी, यानी एक छोर से नेथन लाइन, दूसरे छोर से मिचेल स्टार्क, जो लेग स्पिनर है। तो ऐसे में आप अपने टीम में बैट्समैन और स्पिनर्स का ज्यादा कॉम्बिनेशन रखें। प्लस ये भी सुनाई पड़ रहा है कि जॉश हेजलवुड ये टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो इस मैच के कंटेंशन में है नहीं। तो फिर और ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेविस हेड भी नहीं है, जो कोविड के कारण बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में कौन से प्लेयर्स आपको अपनी टीम में रखने चाहिए, चलिए एक नजर मारते हैं। चलिए विकेट कीपर में आपके पास जॉश बटलर का ऑप्शन जरूर है, लेकिन जिस तरह की श्रृंखला रही है ना, मैं तो कहूंगा आप एलेक्स कैरी को पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 8.5 की क्रेडिट है और पॉइंट्स देखें 90, 87 और 55, और इनमें से दो बार एलेक्स कैरी ने एक ऐसी पारी खेली है जब ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा मुश्किल में थी, वहां पर उन्होंने या तो साझेदारी निभाई है या फिर रन बनाए हैं। तो ऐसे में एलेक्स कैरी आपके लिए काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। जॉर्ज बटलर पे आप भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये सबसे इजीएस्ट पिच होगा ये चारों पिचों के मुकाबले में, शायद जॉर्ज बटलर अपने रंग में आ जाए। और हाँ, अगर टॉस पहले जीत गई इंग्लैंड और पहली बैटिंग करती है, तो किसको पता, शायद अपने रंग में आ जाए जॉर्ज बटलर।
बैटिंग में वैसे तो इंग्लैंड में से कोई ज्यादा ऑप्शन मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। एक जैक क्रॉली है जो अपने कॉन्फिडेंस में काफी अच्छे लग रहे हैं, पिछले मैच में अपने टेक्निक के हिसाब से सही खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग काफी अच्छी थी तो 38,000 अंक नहीं दे पाए, लेकिन हाँ आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसा लग रहा है स्टीवन स्मिथ अपने घर के मैदान में अच्छा परफॉर्म करेंगे, कि वे इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें ना तो अभी तक स्टीवन स्मिथ इस श्रृंखला में उभरे ही नहीं है। सिर्फ एक पारी है जहां पर 170 अंक दिलाए थे, लेकिन उसके अलावा 34 और 29। मेरे ख्याल से स्टीवन स्मिथ अपने घर के मैदान में काफी ज्यादा रन बनाने की कोशिश के या फिराक में रहेंगे। वहीं पर उनके भक्त तो है ही मानस लाबुकर ने, पिछले मैच में बहुत सारे लोगों ने लाबुकर ने को कप्तान बनाया होगा, लेकिन फिलहाल क्या करें, बैड लक। लेकिन लाबुकर ने ऐसे प्लेयर नहीं है जो बैक टू बैक ऐसे मैचेस में फ्लॉप हो यूजुअली, तो इस बार आप इनसे रन की अपेक्षा रख सकते हैं। ऑलराउंडर्स में ये एक नया एक पैटर्न चेंज हुआ है, ये है जो रूट, ये आ गए हैं ऑलराउंडर की शैली में। जी हाँ, काफी साइट्स ने एक ऑलराउंडर का ये दिया है, एक दर्जा दिया है, क्योंकि इंग्लैंड के पास वैसे ही प्लेयर्स नहीं है, तो फिर जो रूट एक ऑलराउंडर में, तो इन्हें तो आप अपनी टीम में रखेंगे ही, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं खेल रही है, लेकिन जो रूट एक अलग ही लेवल पर है, और ऐसे कोई भी, ये तीनों मैच में अगर हम देखें ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि जो रूट फेल क्यों होंगे। 119, 166 और 118, तो लक्षण तो यही है कि ये और भी ज्यादा रन बनाएंगे और आपको पॉइंट्स देंगे। वहीं पर दूसरे ऑलराउंडर मैं यहां पर सोच रहा हूं कैमरन ग्रीन आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेविस हेड इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, वो टीम से बाहर है, तो ऐसे में एक बंदे को बुलाया गया है जो थे 2021 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द फाइनल, कुछ याद आया ये बंदे, मिचेल मार्श। मिचेल मार्श, हालांकि हमारे पास फिलहाल कुछ रीसेंट टेस्ट डेटा नहीं है इसलिए आपको ये वाली डायग्राम दिख रही है, लेकिन मिचेल मार्श एक जबरदस्त लय में है। हाल ही में एशेज शुरू होने के पहले ऑस्ट्रेलिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच एक 4-day मैच हुआ था, वहां पर भी मिचेल मार्श ने स्कोर किया। फिर बिग बैश में मिचेल मार्श ने सेंचुरी तो लगाई है, प्लस एक 80 भी लगाया है, बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद मिचेल मार्श ट्रेविस हेड को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को फिर दो ऑलराउंडर मिल जाते हैं, कैमरन ग्रीन भी है और एक मिचेल मार्श भी है, तो अगर ये खेले तो मिचेल मार्श को डेफिनेटली अपने प्लेइंग 11 में रखें, उसके लिए आपको टॉस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं गेंदबाजों पर। अब गेंदबाजों में यहां पर तो मुझे सब सिडनी सिक्सर्स या फिर सिडनी वाले प्लेयर्स ही दिख रहे हैं, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और पैट कमिंस। नेथन लायन को डेफिनेटली आप अपने टीम में रखें, क्योंकि एक तो स्पिनर है, दूसरा यहाँ पर के ज्यादा खेल चुके हैं, तो नेथन लायन को आप ये डोमेस्टिक जो खेलते हैं ना न्यू साउथ वेल्स वहां पर खेलते हैं ये, तो तीनों मैच में अच्छे पॉइंट्स लाए हैं, 97, 108 और 72, प्लस ये पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, तो यहाँ पर नेथन लायन अपने लय में आ सकते हैं। वहीं पर एक और प्लेयर है जिनको आप शायद थोड़ा ये नजर दे सकते हैं, वो है मिचेल स्वेप्सन। ये भी एक अच्छे लेग स्पिनर है, लेकिन जी हाँ एक्सपोजर नहीं है तो फिर प्रेशर शायद रहेगा, लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं एशेस हो गया है, सीरीज खत्म हो गई है, दो मैच है, दो डेड रबर है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में डेड रबर जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया तो कोशिश जरूर करेगी कि हम जीते, लेकिन वो जो प्रेशर रहता ना जो नॉर्मली डेड रबर में नहीं होता, वो स्वेप्सन में नहीं दिखाई देगा, तो शायद स्वेप्सन आपको विकेट्स निकाल कर भी दे और शायद थोड़े रन भी बनाए। अब इंग्लैंड की तरफ से कोई एक बॉलर में अगर मैं उंगली रखूं तो फिर यहाँ पर मुश्किल तो है, लेकिन जी हाँ आप क्रिस वोक्स पे जरूर थोड़ी नजर डाल सकते हैं, कि यहाँ पर इस मैदान पर इनके लिए ऑलराउंड स्किल्स में इनके लिए काफी मदद मिल सकती है। 89, 79 और 100 अंक अभी तक इन्होंने दिलाए हैं, हो सकता है एससीजी के मैदान में ये ज्यादा और अंक आपको दिलाए। तो ये थी हमारे प्लेयर सजेशंस। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ, तो उनमें अगर मैं सबसे पहला सेफ नाम लूं
तो वो है जो रूट और दूसरा सेफ नाम है मानस लाबू करने। अब ये दोनों के क्यों सेफ है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट रन मशीन रहे हैं। अब वहीं पर थोड़े रिस्की पिक अगर हो जाते हैं तो फिर एक पैट कमिंस भी थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, तो फास्ट बॉलर को अगर आप कैप्टन बनाएंगे तो शायद थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन आप स्टीवन स्मिथ पर भी भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, तो उस हिसाब से वो एक पिक हो सकते हैं सेफ पिक कैप्टनसी के लिए। और हाँ, मिचेल मार्श, अगर मिचेल मार्श खेलते हैं तो जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरह की उनका रिदम चल रहा है, उस हिसाब से वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस। अब आते हैं हमारे या आपके रिस्क स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट पर। तो आप किस तरह के प्लेयर हैं, या तो आप सेफ खेलते होंगे या तो मीडियम या तो फिर रिस्की होंगे, यानी आपको पता कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रखेंगे उस हिसाब से, या फिर आप अपनी बजट की तरफ भी देखेंगे कितना बजट है आपके पास और कितना अलॉट करना चाहते हैं। वैसे अगर मेरी बात माने तो मैं कहूंगा कि आप कम वाली बजट रखें, यानी छोटे छोटे पॉकेट्स में टीम्स बनाएं, जैसे कि हेड टू हेड वाले हैं, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 10 प्लेयर तक। आप वहां पर ज्यादा टीम्स बना के, अगर आप 10 टीम बनाते हैं तो 10 छोटी छोटी टीम में आपके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रैंड लीग में नहीं जीत सकते, लेकिन ग्रैंड लीग में खेलने के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत रहेगी, जो अगर आपके पास है तो फिर तो हमें आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, फैंटेसी गली आपको मदद करने की कोशिश जरूर करेगा। हर मैच के मैच सेंटर में एक कॉन्टेस्ट का सेक्शन है, वहां पर फैंटेसी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपको फैंटेसी को यहां से वहां, वहां से यहां स्क्रोल करना है। स्क्रोल करते करते फैंटा का रंग बदलेगा, बदलते रंग के साथ आपके लेफ्ट साइड में कॉन्टेस्ट बदलेंगे, वहीं आपके राइट साइड में आपको अप्रोक्सीमेट कमाई भी दर्शाई जाएगी। यही नहीं, अगर आप फैंटा पर माउस ओवर करोगे तो आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आप उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं, है ना अच्छी बात। इसीलिए इसीलिए आप फैंटेसी गली को फॉलो करें, सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम हैं ही, प्लीज बिंदास, बिना समय नष्ट किए आप हमें फॉलो करें। और अगर आपने अभी तक फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज 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 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में ऑलरेडी हमारा ऐप आ चुका है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करें और अपनी सहायता करें। फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या है, जैसे ही लाइनअप्स आ जाते हैं हमारे स्कोरर्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको प्रॉपर 22 दिखाएंगे, यानी दोनों टीम के प्लेइंग 11। तो आप जो टीम बनाएंगे ना, वो 11 के 11 मैच में खेल जरूर रहे होंगे। अगर आप टॉस के पहले आते हैं तो फिर आपके पास 40-50 प्लेयर्स के ऑप्शंस रहेंगे, और जो प्लेयर आप सेलेक्ट करेंगे इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लेयर मैच में खेल रहे होंगे कि नहीं, इसलिए टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप टॉस के बाद आते हैं ना, तो आपको 10-10 टीम कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं। जी हाँ, फैंटेसिकली अपनी तरफ से, अपने स्कीम्स के तरफ से, जिस तरह की यहाँ हमारी लॉजिक है, लॉजिक की तरफ से आपको 10 टीम बना के देती है। और ये मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे 4-5 साइड के लिए मान लीजिए आपके पास 40-50 टीम्स के ऑप्शंस बन जाएंगे, जैसे कि फैंटेसिकली बेस्ट 11, फिर उसके बाद ग्रैंड लीग में मीडियम रिस्क, ग्रैंड लीग में हाई रिस्क, फिर बैटिंग फोकस, बॉलिंग फोकस इत्यादि इत्यादि। ये फायदा होता है फैंटेसिकली के साथ जुड़ने का। और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं YouTube पर, थैंक यू सो मच, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। लेकिन प्लीज, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको हमारे वीडियोस लाइक करने होंगे, शेयर करने होंगे, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने फैंटेसिकली की तरफ से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड से काफी ज्यादा मदद मिल गई होगी। मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट, जब आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाए तो, लेकिन याद रखें फैंटेसी गली पे सिर्फ वही मैचेस नहीं होते जिसके हम वीडियोस बनाते हैं, ऐसे काफी सारे मैचेस भी होते हैं जो कि हम वीडियोस नहीं बना पाते, लेकिन वहां पर कंटेंट ऑलरेडी आपको मिलेगा, यानी किस तरह के प्लेयर्स आपको लेने चाहिए, किस तरह के कैप्टन, स्ट्रेटजी इत्यादि इत्यादि। जैसे कि सुपर स्मैश है, न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन, फिर विमेन्स सुपर स्मैश भी चल रहा है, अब आगे आगे और ये सीरीज भी आएंगे, तो ये सब सीरीज आपको लिखित फैंटेसी गली के वेबसाइट पे मिल जाएंगे या फिर ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट एक बार फिर, जब आप अपनी टीम इस मैच के लिए बनाएंगे। नमस्कार, बाय।